हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। कर्णन जो कि एक तमिल मूवी है, ये आपको अमेजोन प्राइम वीडियोस पर देखने को मिल जाती है फाइनल, क्योंकि कोविड की वजह से ये सिर्फ साउथ में रिलीज़ हुई थी, हमारे मुंबई में नहीं हुई थी। और फाइनली ये कल अमेजोन प्राइम वीडियोस पर रिलीज़ हो चुकी है। मूवी की ओवरऑल लेंथ 2.5 घंटे की, और ये आपको तमिल लैंग्वेज विद इंग्लिश सबटाइटल्स देखने को मिलती है। कहानी फोकस करती है कर्णन जो कि एक छोटे से विलेज में रहता है। अब सिचुएशन ये है कि भाई इस विलेज में बस स्टॉप नहीं है, और इस वजह से यहाँ के रहने वाले लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और इनका जो नेबर विलेज है उसमें बस स्टॉप है, लेकिन वहाँ के लोगों की इस पर्टिकुलर विलेज वालों से बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो अब ऐसे में कर्णन क्या कुछ करता है, फिर उसके बाद इन सारे विलेजेस के साथ क्या कुछ होता है, फिर कर्णन के साथ क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मैं इस पर्टिकुलर मूवी के लिए बस एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा तो आप लोग समझ लो आपसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। ये उन मूवीज़ में से एक जो सालों साल याद रहेगी। और मोस्टली जो साउथ की मूवीज़ होती है वो हमारे जो इंडियन कल्चर है, जो हमारी ग्राउंड रियलिटी, जो हमारे विलेजेस में जो चीज़ होती है या जो असल में हमारे इंडिया में है बात, उसको प्रेजेंट करती है। इसलिए कहीं ना कहीं उनकी मूवी में जो रियलिटीपन है वो ज़्यादा महसूस होता है। उसके अलावा मूवी की अगर फर्स्ट हाफ की बात करें तो यहाँ पर डायरेक्टर ने कैरेक्टर्स को भी डेवलप किया, साथ साथ सिचुएशंस भी क्रिएट किए। यहाँ पर हीट ऑफ द मोमेंट चीज़ें नहीं बताई कि यार कर्णन जो जो कर रहा है या उसके विलेज वाले जो कर रहे हैं वो हीट ऑफ द मोमेंट में कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर बाकायदा उस सिचुएशन को क्रिएट किया, और जो नेबर के जो विलेज वाले लोग हैं उनको भी इतनी अच्छी तरह से बताया कि आप लोग पूरी तरह से इन कैरेक्टर्स को समझ लो, इनकी साथ हो रही चीज़ों को समझ लो। और इसलिए जो क्लाइमेक्स में जो चीज़ें होती है, जो मैं यहाँ पर स्पॉइल नहीं करूँगा, तो उसमें आप लोग पूरी तरह से उन विलेजर्स के सपोर्ट में रहते हो। इसको बोलते हैं कि ज़बरदस्त फिल्म मेकिंग। मूवी की सिनेमेटोग्राफी बहुत औसम है यार। फर्स्ट सीन से आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि यार मूवी में बहुत कुछ चीज़ें ऐसी देखने को मिलेगी। मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे सीन्स होते हैं जहाँ पर डायलॉग्स नहीं होते, लेकिन डायरेक्टर हमें विजुअल्स के थ्रू काफ़ी कुछ चीज़ें कहने की कोशिश करता है। और इस मूवी में भी वही सारी चीज़ें होती है। और इवन यहाँ पर ह्यूमन कैरेक्टर्स ही नहीं, एनिमल्स का भी यूज़ किया है काफ़ी कुछ चीज़ें बताने के लिए, जो कि यार ये मूवी को एक अलग ही जोन में लेके जाता है। मूवी का बीजीएम बहुत ही हार्ट हिटिंग है, जो एक थ्रिल, जो एक इमोशंस आपको फील होता है इस पूरी मूवी में, वो इसके बीजीएम की वजह से होता है। और अब इमोशंस की बात आ गई है तो भाई मूवी में इतने इमोशंस है जो आपके आंखों में आंसू लेके आएंगे। कुछ बेबसी के आंसू है, कुछ जीत के आंसू है, और थ्रू आउट द मूवी ये इमोशंस आप लोग फील करोगे और अंदर से ये मूवी झिंझोड़ देगी आपको। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो यार सब लोगों ने अपने हिस्से के रोल को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया, लेकिन यहाँ पर धनुष ने जिस लेवल का रोल प्ले किया है भाई, इसको हमारे इंडिया का सबसे जो एक सम्मानित अवार्ड है वो भी अगर मिल जाए तो कम है। अपने फील्ड में धनुष को कोई भी नहीं पकड़ सकता। डायरेक्शन की बात करें तो मारी सेल्वारा जिसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, भाई मान गया आपका डायरेक्शन बहुत ही ज़बरदस्त है। जो आप कहना चाह रहे थे वो ऑडियंस समझ पाती है। थ्रू आउट द मूवी हर एक छोटी से छोटी चीज़ आप फील करवाते हो ऑडियंस को, मज़ा आ गया यार। एडिटिंग की बात करो तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम लगी। मूवी की लेंथ 2.5 घंटे के बदले अगर 2 घंटे 10 मिनट की होती, यानी कि 10-15 मिनट एडिट कर देते तो वो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि इस वजह से मूवी में जो पेसिंग है वो थोड़ी बहुत स्लो हुई है। तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट लगा, उसके अलावा मूवी में कुछ भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है। ये उन मूवीज़ में से एक है 2021 की, जिसको ऑब्वियसली बहुत सारे अवार्ड्स मिलेंगे, बहुत सारे एप्रिसिएशन मिलेंगे, और कई सालों तक ये पर्टिकुलर मूवी याद रह जाएगी बिकॉज ऑफ वेरियस इश्यूज जो हमें इस पर्टिकुलर मूवी में देखने को मिले। पेरेंटल गाइडेंस के लिए इतना ही बोलूँगा कि यस, ये मूवी एडल्ट्स के लिए बनाई गई है, क्योंकि इस मूवी जो वॉयलेंस के सीन्स है वो थोड़े अलग लेवल के, तो इस हिसाब से बच्चों लोग के सामने थोड़ा अवॉइड करना। हालांकि चाहो तो आप लोग देख सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात है नहीं। ये मूवी फैमिली के साथ भी बैठ के देखो, आप लोग इन्जॉय करोगे। मैं इसको रेटिंग दूंगा 10 out of 10। यार कुछ ऐसी मूवीज़ होती है जिसको रेटिंग नहीं दे सकते, और ये उन्हीं मूवीज़ में से एक है। तो यार अगर आप लोगों को बुरा लगा इस वीडियो को तो आप डिसलाइक कर सकते हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो। और अगर आप लोग इस तरह की मूवीज़ देखना इंटरेस्टेड हो, स्पेशली साउथ की मूवीज़ और स्पेशली धनुष की मूवीज़, तो ये मूवी तो आप लोग ज़रूर चेकआउट करना। ये हिंदी में नहीं है, लेकिन देखो एक बार आप ये भूल जाओगे कि यार इस लैंग्वेज क्या चल रही है। मतलब कुछ चीज़ों के लिए लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस आपका दिल से दिल कनेक्शन बन जाता है और फिर वो मैजिक क्रिएट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।